जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट में 32 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। बता दें कि इस लिस्ट में राज्य के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का भी नाम है। वो गारबंदल से चुनाव लड़ेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हजरतबल से सलमान अली सागर, लाल चौक से अहसान परदेसी, चरार ए शरीफ से अब्दुल रहीम राठौर और जम्मू उत्तर से अजय कुमार सधोत्रा को टिकट दिया है। तो वहीं तनवीर सादिक जदीबल ने इससे चुनाव लड़ेंगे। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, सलमान खुर्शीद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हामिद कर्रा ने सोमवार को श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो फारूक अब्दुल्ला के घर जाकर मुलाकात की। नेताओं के बीच घंटों चली मीटिंग के बाद सीट शेयरिंग पर बात बनी थी। इससे पहले आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि कांग्रेस के साथ मिलकर उनका लक्ष्य भाजपा के खिलाफ एकजुट मोर्चे की तरह लड़ना है ताकि सफलता की संभावना और बढ़ सके। इन इलेक्शंस के पहले फेज का नॉमिनेशन भरने का आखिरी दिन है और लगातार 3 दिन जो छुट्टियां रही उस बात का नतीजा ये है कि लगभग हर कैंडिडेट जो है वो आज अपने कागज भरने का काम कर रहे हैं। हमारे भी तमाम उम्मीदवार अब एक एक करके आज अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे। हमने अपना मैनिफेस्टो, अपना रोड मैप, अपना प्रोग्राम लोगों के सामने रखा हुआ है। हमने कांग्रेस के साथ एक सीट शेयरिंग अग्रीमेंट वो भी तय किया। कोशिश हमारी ये रही कि बीजेपी और बीजेपी के साथ मिले हुए जो लोग हैं उनके खिलाफ हम एक कंसोलिडेटेड फ्रंट के तौर पे मिलके ये इलेक्शन लड़ें ताकि कामयाबी की जो गुंजाइश है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। इसमें मुझे इस बात का एहसास है कि कई सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने पिछले 5-10 साल बहुत मेहनत की और जो तमन्ना रखते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर इलेक्शन लड़ना और जो उम्मीद भी रख रहे थे, लेकिन इस सीट शेयरिंग में बदकिस्मती से उनमें से कुछ रह गए। हमें उस बात का अफसोस भी है। हम चाहेंगे कि आगे जाके किसी न किसी तरह जो है उनकी जो है एडजस्टमेंट हो जाएगी और वो भी न सिर्फ जमात की बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत जो है करते रहेंगे।